ਸਿੰਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਹ ਨਾਲ ਲੱਕ ਸਭ ਦਾ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मिर्जा साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि असल में वो आपको जानते नहीं है? मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं साल बाद आना थे पाकिस्तान। कहता है कि तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, यहाँ की शाम चुरा लूं अगर बुरा ना। हाय हाय, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे अगर तू जरा सा दुपट्टा ले ले तो फुल जनाना लगे। हाँ यार, क्या कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। कहता है कि हमारे बात क्या गुजरी अजीजो, सुनाओ शहर कैसा रह गया है। हाँ, हमारे बात क्या गुजरी अजीजो, सुनाओ वो शहर कैसा रह गया है। बरस कुछ है और आवारा बादल, शजर पे एक पत्ता रह गया। जी बीबर, आप आबिद अली आ गया है तो गैटम में माशाल्लाह। वालेकुम जी बीबर्स, मैं आपका अपना जी विकी और आप देख रहे हैं जी विकी ऑफिशियल। जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं अपने चैनल पे ARY पे रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए। ये इस वक्त हम आउटडोर खड़े हुए बाहर, और ये आबिद चाली साहब गैटम में खड़े हैं मेरे सामने, और ये कुछ कहना चाह रहे थे आपसे, कोई बात करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा ठहरे मैं ज़रा कैमरा ऑन कर लूँ, फिर आप बताइएगा कि मसला क्या है। जी चाली साहब, अजीम विक्की साहब आप मुझे देख रहे हैं? जी मैं काफ़ी अच्छे से देख रहा हूँ, दोनों आँखों से देख रहे हैं, दोनों से भाई मैं कहना हूँ। देखो हाँ, गेटअप देखो, देख लिया क्या? मैं आपको एक साहब एक अमीर ज़्यादा नहीं लग रहा? नहीं ज्यादा नहीं लगते, अमीर ज्यादा लगते हैं। ज्यादा तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं रोड पे अपनी गाड़ी पे निकली हूँ तो लोग मेरे गांव में आंखें बिछा रहे, लड़कियां रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि ड्राइवर अपने हाथ काटने लगे। भाई अब गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्यों कटे हुए लोग वहाँ पे? मेरे गेटअप को देखकर, मेरे आपका पर्सनैलिटी को देखकर। आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग वहाँ पे रुक जाएंगे? अभी ये तो मैंने टू पीस पहना है, लोग चार कुर्ता पहन कर मूछ लगा कर किसी गांव की तरफ जाता हूँ तो लोग दरख्तों पे चढ़ जाते हैं। बंदर समझते हैं आपको? छत पे चढ़ जाते हैं। डर के या वैसे? वो आ गया, वो आ गया, फिर एक शोर मचता है, हुई हुई हंगामा होता है। था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया, बबू आ गया, बबू आ गया, बबू वैसे करके टर्न देता हूँ। बड़ी पंचायत का फैसला, मैं पंचायत लगती है फैसला। भाई ना भाई, ये बग्गू साहब कौन है, कुछ बता सकते हैं? बग्गू की एक हिस्ट्री है, उसका खानदान मुगलिया खानदान से हुआ। अच्छा मुगलिया नहीं है ये, उससे भी पहले का। ये बग्गू गोशा आपने सुना होगा, बड़ा आला फ्रूट है ये। कत्लो गारत करना, जंगे लड़ना, लोगों को स्वैन देना, कैद में फेंकना, ये उनका शुगल था। वही वही, तो आपका क्या शुगल है कुछ बताना पसंद फरमाएंगे आप? इंसान की कदर करता हूँ, इंसान को प्यार की मोहब्बत की नजरों से देखता हूँ, उसको पसंद करता हूँ। गुड, और अगर मैं ये दोनों गेटअप छोड़कर किसी लड़की का गेटअप कर दूँ तो क्या मत पहुंचा देता हूं। That's it, that's it. क्या बात है। नहीं पर्सनालिटी तो आपकी, ये देखें व्यूअर्स जरा, ये चाली साहब को जरा दूर, हाँ हाँ लुक तो इनकी वाकई हीरो वाली है। अच्छा इनकी बातों में नहीं जाना, ये अमूमन 12 बजे के बाद ना दोपहर को अक्सर ये शिकायत उनको हो जाती है। और किधर जाएगी, उधर जाएगी, इधर जाएगी, रुकेगी पीछे, आगे वाह शोर नामा जूस। वो गेटअप भी चेंज करता हूँ, ये पता चल जाता है कि ये गेटअप बहुत पसंद किया लोगों ने। गुड, यानी कि आपका ये गेटअप लोगों को बड़ा पसंद है। और अगर मैं अपने आप को एक बिल्कुल सांचे में डाल कर एक फकीर बन जाऊँ, फकीरी तान लूँ, आधा शहर पैसों के ढेर लगा देता, कम है क्वालिटी बताओ? क्वालिटीज तो आप में सारी हैं, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं आप मेरा ख्याल। तो कभी ऐसा हुआ है कि जी आपने ये टैलेंट इस्तेमाल करके, मेरे ख्याल आपने घर भी ऐसे बनाया फकीर शकीर बन के, तो आपने पैसा इकट्ठा कर लिया? नहीं, एक दफा मैंने हिजड़े का गेटअप करके गाँव में गए शूटिंग थी वहाँ पर। अच्छा हिजड़े का गेटअप, अच्छा गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर का थोड़ा सा धक्का लगाया, हाँ मैंने धक्का लगाया, ड्राइवर गाड़ी भगा कर ले गया। मैं था उस गांव के 8-9 कुत्ते, 17-18 बाबे, लाठी चार्ज, मैं निकल गया। फिर पता ना चले
बब्बू कौन सा है, कुत्ता कौन सा है, कुत्ता कौन सा है, बैलगार। फिर मुझे जब होश आई, यहाँ पर मेरे ऊपर तीन चार लाइटें थी, तीन चार लाइटें का ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में थे आप? बिल्कुल एग्जैक्टली, ऑपरेशन कर रहे थे। पता चला कि मेरी जींस थोड़ी सी तब्दील हो गई, जेंडर चेंज हो गया आपका? हाँ, अब पता नहीं कुत्तों के काटने से हुआ या बाबू की लाठी चल रही है। मैं पूछने के चाह रहा हूँ कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं आपको, जेंडर चेंज हो गया आपका? आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दैट। नहीं, चेंज नहीं हुआ, मुझे कुछ चोटें ऐसी आई कि मुझे होश नहीं आई, सुन हो गया आधा जिस्म, हुई हुई आंखें सुन हो गई थोड़ी, कान सुन हो गए और हाथ सुन हो गए और एक वो सुन हो गया। तो ऐसा क्या देख लिया था आपने कि आपकी आंखें भी सुन हो गई, आपका जिस्म भी सुन हो गया, आपकी पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई, क्या देखा था? ये है ब्रदर कि जब इंसान किसी इंसान को मारता है तो उसे पता होता है इसको चोट मारूंगा या थप्पड़ मारूंगा इसको दर्द होगा, बाद में तकलीफ नहीं होगी। हाय हाय, जानवर को ये पता नहीं होता कहाँ से काट रहा है। नहीं, अगर आप निशान लगा दें कि जी यहाँ काट लें, ये बेटर नहीं है? मेरे प्यो दे कुत्ते सन, जैसे मैं समझा आ गया पर ये तो कट रहा है यार, इतने दही पाया इतने कट रहा है यार, कुत्तियाँ निकाल तू आ रहा अपने बिचों। भाई जान मार करना निशान ला ली रहा है कुत्ते, अजकल के कुत्ते बड़े समझदार ने, उन्होंने कह दिया कि भाई ए इतने करके कट लो, ए उत्ते ना कट लो। नहीं, मैं निशान लावा तू दौड़ जाएगा उसे यार। चाली साहब, ये तो तुम कॉमेडी कर रहे हो। मैंने ख्वाबों में देखा, जिसे ख्यालों में देखा, जी जी, जिसे चाहा, जिसे पूजा, जिसको आप लेकर आए। ले, हाँ मैं लेकर आया। आप लेकर आए? वो मेरा दोस्त, मेरा हमसाया, मेरा जानी, जिगर, वो शायद चमन भात दिल जान, आहा, जिसे आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है टाइम 2 बजे इकट्ठे वक्त गुजारा, इकट्ठे होते मैंने, जी जी, लड़की भी हमें एक दफा इकट्ठा होने से करा। 3 बजे इनका जो है ना, ये इनका जेंडर भी चेंज हो जाता है और इनका माइंड भी चेंज हो। मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, सब कुछ है ये। तो ये आपके सामने अभी अय्यूब मिर्ज़ा साहब खड़े हैं, विदाउट गेटअप है, अभी ये गेटअप में नहीं है। तो जी मिर्ज़ा साहब, जी जी, मैं वो देखे, मैं देख रहा हूँ कि आप आ रहे हैं, विक्की साहब आ रहे हैं, तो मैंने सलाम किया, मुझे अच्छा लगा। और देखिए विवर, ये पाकिस्तान के मायनाज फनकार हैं और इनका कहना है कि देखें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें और पुरजोश जज्बे के साथ अपनी मेहनत करें, और अपनी मेहनत करके खाना है और परफॉर्म करें। इंसान को अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए, सबसे पहले अच्छा इंसान। नहीं तो आप दोनों में से क्या है, अच्छे इंसान है या अच्छे आर्टिस्ट हैं? देखिए मैं खुद कहता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तो अच्छा, अगर आपको खुद कहना अच्छा नहीं लगता ना, तो जो मैं कहूँगा वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आपकी बात मुझे अच्छी लगती है और अच्छा, अच्छा। मेरी शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन वीवर को अच्छी लगती है। नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आपकी हर बात वीवर को अच्छी लगती है, वीवर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मिर्ज़ा साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि असल में वो आपको जानते नहीं है? मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं साल बाद हूँ, मैं थे पाकिस्तान या मैं 10 साल बाद आया है या मैं 2.5 महीने से चला गया, मेरे नक्शे नैन बदल गए। अच्छा, 2.5 महीने को आंदा या जाता, तू केड़ी गल्ला लेके बैठ गया? 2.5 महीने का बच्चा अगर बाहर जाए ना मोहतरम, वो आएगा वापसी पे, उसके हालात और वाकियात और नक्शे नकुश जो है ना, वो नकुश चेंज हो जाता। आपके ख्याल में 2.5 महीने का बच्चा जो मोटरबाइक लेके बाहर गया हुआ था वापस आ गया, ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी मंतक है? आजकल जदीद साइंस है, 2.5 महीने का बच्चा अगर उसका कार्ड बन सकता है तो वो मोटरसाइकिल भी, अगर उसका शऊर काम करता है। बड़े बड़े बच्चे अच्छी बात करते हैं, साहिब इल्म बात करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये भी कोई बात नहीं है? अच्छा, 2.5 महीने का बच्चा बाइक लेके बाहर गया हुआ है, वो बाहर से घूम फिर के आपके घर के सारे काम वाम करके, आपके बिल जमा करवा के, ग्रोसरी करके, तो 2.5 महीने का बच्चा बाइक लेके घर पे वापस आ गया। मिर्ज़ा साहब, आप जादूगर हैं या एक्टर हैं, मुझे ये बता दें। देखें, आर्टिस्ट जादूगर नहीं होता, हाँ, लेकिन काम ऐसा करें कि जादू लगे। हाँ, देखें, कहता है कि तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, यहाँ की शाम चुरा लूं अगर बुरा ना। हाय हाय, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, अगर तू जरा सा दुपट्टा ले ले तो फुल जनाना लगे। हाँ यार, क्या कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। कहता है कि हमारे बात क्या गुजरी अजीजो, सुना वो शहर कैसा रह गया है। हमारे बात क्या गुजरी अजीजो, सुनाओ वो शहर कैसा रह गया है। बरस कुछ है और आवारा बादल, शजर पे एक पत्ता रह गया। ये जी वीवर, आप आबिद अली आ गया है तो गेटअप में, माशाल्लाह यार, आबिद अली बहुत आना लग रहा है यार, रियली भाई हैं, तो इस वजह से भाइयों को भाई प्यारे लगते हैं। नहीं वो है तो प्यारा ही माशाल्लाह, लेकिन आज गेटअप में बड़ा कमाल आउट क्लास लग रहा है। तो सुन कर रहा है गैडम तुझे, मिर्ज़ा साहब कुछ कह रहे थे जी कि 2.5 महीने का बच्चा बाहर गया बाइक लेके, ग्रोसरी वगैरह करके, आपके बिल से जमा करवा के,
तो बच्चा 2.5 माह के ही जेन में रखना तुम। तो 2.5 माह का बच्चा बाइक लेके बाहर गया था और सारे काम कर करा के घर वापस आ गया। चाइना के छोटे से जिस तरह के मिर्जा साहब है ना, इनका बच्चा कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जादू का ड्राइवर करें, वो ग्रोसरी चुरा के नहीं लाया। हाय हाय हाय। अच्छा, अगर वो ग्रोसरी चुरा के लाता तो ये कन्फर्म हो जाता कि बच्चा इनका ही है। हाँ जी, इनके बच्चे तो घर से लेके जाते हैं और जाके दुकानदार को दे जाते हैं। हाँ, हमारे पास फालतू है। हाँ जी, बस मालिक का दिया हुआ बड़ा बड़ा करम है। बड़ा मालिक ने, मेरा भी मालिक है, मालिक ने जिसको भी दिया ना उसने ला के आगे मिर्जा साहब। यार ये देखिए मेरी बात सुने, ये अपने अपने जर्फ की बात है। नहीं, अपने अपने धर्म की बात नहीं है मिर्जा साहब। हाँ, ये अपने अपनी कारागरी की बात है जो वो बता रहा है। देखें, आप फैसलाबाद के हो, मैं भी फैसलाबाद का हूँ। आओ मलाइका, कैसी हो? वो मलाइका भी आ गई है। मलाइका इधर आए, हमारी दो देखे। हाय हाय हाय, सबकी जान मलाइका। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? वो तो ठीक है, आप बताएं कैसे? आपके सामने हम देख तो रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही। अच्छा मलाइका, माशाल्लाह गैटर में तो यार आज बाकी अच्छा लग रहा है। ये मुझे लग रहा है, सच्ची मुझे लगती नहीं है कि इतनी उम्र की है। मलाइका है ही खूबसूरत है। उम्र के बारे में तो देखने वाले बता सकते हैं, उम्रों में क्या रखा है? मेरी उम्र में, उम्र में बड़ा कुछ रखा है। उम्र से की रखी है मेरे हाथों, बहुत मिलते हैं मलाइका। दिल होना चाहिए जवान, मेरे हाथों की उम्र से की रखी है। हां, नई उम्र में बहुत बड़ा कुछ रखा है। एज इज ओनली नंबर, जस्ट ओनली नंबर। यस, इनकी आपकी नजर में एज जो है वो जस्ट ओनली नंबर है, ये कोई काउंट नहीं करती है। मेरे ख्याल से इंसान का दिल जवान होना चाहिए, दिल में आपके दर्द डिस्को होना, दर्द डिस्को होना चाहिए हर हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग उम्रों पे बातें करना शुरू रहते हैं कि और की एज के बारे में वैसे भी डिस्कस नहीं करना, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि और खुद नहीं करती बेचारी। विकी भाई, तुम पता है सारी जिंदगी ऐसी साइबेरिया रहे हैं, उसे मेरे दादा जी से। पुत्र मेरी गल सुन, तुम घर क्यों नहीं रहे? घर की मसला साइबेरिया कड़ा इलाका हूँ। साइबेरिया मलाइका इलाका है? नहीं जे है तो इतने लाहौर पाकिस्तान से की लेना दे। नहीं, मैं तो दस रहा हूं, साडा पिछोकड़ा जड़ा, पिछोकड़ा ए कड़ा हुंदा साडा जड़ा पिछो असी साडे ददयाल है। पिछोकड़ा कह रिया है, ये पंजाबी तो मुझे गेरी जबान है कोई नहीं। मेनू एक गल दी समझ नहीं आंदी कि जड़ा बंदा पाकिस्तान तो पहले किते पीछे रहना वाला तो पाकिस्तान च की लैन आंदा? लो पाकिस्तान मेरी जान है। नहीं, असि इस गलो असि पाकिस्तान दे बारे गलत गल नहीं कर रहे, मेरा मतलब है पैसे दे पॉइंट दे नाल शक पी जिन्ना भी आ गौर नहीं कर रही जिन्नी साइबेरिया दी ठंड पैंदी ना। साइबेरिया केड़ा इलाका वा? मलाइका दुनिया ते सब तो सर्द जड़ा मुल्क है ना, ये सब तो सर्द इलाका साइबेरिया। जिथे ठंड होवे उथे बच्चे ते हो ही नहीं सकदे। तेन आबदी चढ़ियाई नहीं दस रही कि बर्फ आ रंग हो गए। मेरे दादा जी का ना 28 बच्चे सन। अच्छा, मेरा ख्याल मरण तो अद्धा घंटा पहले भी असीं उन्हां नूं
डिस्को तो लै के आए। मैं पता नहीं क्या लगा मरे तो आधा घंटे पहले भी बाप बड़े सन। खूबसूरत आ रही है इसके अंदर यार, बहुत अल्लाह की किस्मत बड़ी अच्छी लग रही, प्यारी आ रही हूँ। क्या बात, पंजाबी में बोली है, तुहानू बुरा तो नहीं लगा? साइबेरिया जेड़ा तेरे ख्याल ननकाना साहब दे कोल किथे साइबेरिया? साइबेरिया जिथे पंजाबी भी बोलते, उम्र भी 130 साल, न्याणे भी तुसी कहंदे उहनां दे 28 सी, इह किद्दां गल मान सकदे आ? साडा साइबेरिया ना ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਆਹੋ ਤੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੇ ਬਰਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ? ਦੱਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੱਟਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਦੇ? ਸਭ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣਾ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ? ਅੱਛਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਸ ਐਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿੰਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿੰਡ ਸਿੰਡਲ ਸਿੰਡਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਡਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ। ਸਿੰਡਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਲਾਇਕਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪੱਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਗਾਇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗਾਇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹ? ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸਿੰਡਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਡਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੰਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕ ਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਡਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਕਲ ਮੌਤ ਆਈ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿੰਡਲ ਸਿੰਡਲ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਆਪਣਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਵੈਲ ਦੀ ਜਾਂ ਲੌਨ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਬੋਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਵੇ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਪ ਵੈਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਗਾਇਸ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਮਲਾਇਕਾ ਕੋ ਸਿੰਡਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਆ ਜਾਏ। ਹਟੇ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਡਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ओके गाइज, मुलाकात होती है आप लोगों से अभी थोड़ी देर में, हमारा जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट होने वाली, तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है आपसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।